नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। स्कूल की फीस नहीं देना, अभिभावकों को पड़ सकता है महंगा। कोरोना के माहौल में फिलहाल स्कूल खोलने पर सोच विचार किया जा रहा है। हालांकि अगर स्कूल को खोलने का फैसला लिया जाता है तो अभिभावकों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि यह साफ कर दिया गया है कि स्कूलों की फीस माफ नहीं की जाएगी। इसको लेकर तमाम तरह के प्राइवेट स्कूल इसके लिए हर तरह की प्लानिंग भी करते देखे गए हैं, जिसके बाद अब छात्र ना तो स्कूल बदल पाएंगे और ना ही स्कूलों की शर्तों से भाग पाएंगे। मार्च तक स्थिति नियंत्रण में रही तो फिजिकल एग्जाम कराकर भी बकाया पैसा वसूलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसे लेकर बैठक भी कर चुका है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अमित सुमन, मिहिर दिवाकर और मोहम्मद रहमतुल्लाह की। अमित कुमार सुमन का जन्म 10 दिसंबर 1980 को बिहार में हुआ था। अमित एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर हैं। उन्होंने 1998 और 2005 के बीच दिल्ली और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। वहीं मिहिर दिवाकर एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 1999 और 2009 के बीच 39 प्रथम श्रेणी और 36 सूची ए मैच खेले हैं। वहीं 2000 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत के दस्ते का भी हिस्सा थे। एमडी रहमतुल्लाह एक भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्होंने 19 सितंबर 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी 2018 में बिहार के लिए अपनी सूची ए की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को रणजी ट्रॉफी 2018 में बिहार के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। नीट एमडीएस के एडमिट कार्ड बीते दिन हुए जारी। नीट एमडीएस के छात्रों के लिए अहम सूचना। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी 2021 की परीक्षा के एडमिट कार्ड बीते दिन जारी कर दिए गए हैं। सभी छात्र एडमिट कार्ड एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वो nbe.edu.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीट एमडीएस 2021 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हुए थे। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी 2021 परीक्षा 16 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के नतीजे 31 दिसंबर को जारी होंगे। हालांकि अब एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। बिहार पुलिस की 8415 सिपाही भर्ती 2020 की परीक्षा की हुई तैयारी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से बिहार पुलिस में निकाली गई सिपाही की 8415 भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख करीब आ रही है। इस वैकेंसी के लिए 14 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं, इसीलिए इच्छुक उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें। इस भर्ती से बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिसर्च वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी के खाली पदों को भरा जाएगा। चयन परिषद ने इसे लेकर लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। यदि सेंटर उपलब्ध होता है तो अगले साल 21 मार्च को परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। कोहरे के दौरान सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। बीते कुछ दिनों से पूरे बिहार में घने कोहरे और कुहासे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही परिवहन विभाग ने अपना फैसला जारी किया है, क्योंकि कोहरे के कारण दुर्घटना की संभावना काफी बढ़ गई है। वैसे में परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है, ताकि लोग सुरक्षित यातायात कर सके और सड़क हादसों से खुद को बचा सके। प्रमंडलीय आयुक्त सह परिवहन आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि प्राइवेट गाड़ी तथा संभव हो सके तो रात में ट्रैवल नहीं करें, बहुत जरूरी हुआ तभी घरों से बाहर निकले और गाड़ी में ब्लिंकर का उपयोग अवश्य करें। इसके अलावा नाइट लाइट का प्रयोग करें, विंडस्क्रीन को खुला रखें ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। नौकरी के लिए विदेश आने वालों को मिलेगी अब मुफ्त और सटीक जानकारी। नौकरी के लिए विदेश जाने वालों को मिलेगी अब मुफ्त और सटीक जानकारी। अब बिहार से विदेश जाने वाले लोगों को मुफ्त में सटीक जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि विदेश में नौकरी करने को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते देखे गए हैं। ऐसे लोगों को अक्सर ये कहते सुना गया है कि पता नहीं कि दूसरे देश में जाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, कैसे पासपोर्ट बनेगा और किस तरह वीजा मिल पाएगा, किस व्यक्ति से संपर्क करना होगा और कितने पैसे खर्च होंगे। अब इन सभी सवालों का जवाब एक मोबाइल फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके पा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 9431246620 और ईमेल आईडी poepatna@mea.gov.in उपलब्ध करवाया गया है। इंटर पास व्यक्ति अब खोल सकते हैं प्रदूषण जांच केंद्र। बिहार में प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एक साल पहले तक राज्य में मात्र 250 वाहन प्रदूषण जांच केंद्र विभिन्न जिलों में बनाए गए थे, अब इसकी संख्या 1000 तक बढ़ गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि परिवहन विभाग द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने के बाद जिलों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों की संख्या में काफी इजाफा
रखा हुआ है। अगले साल 2021 में 1000 और नए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि विभिन्न जनोपयोगी सुविधाओं के साथ रोजगार सृजन विभाग की प्राथमिकता है। नितिन गडकरी ने आज किया नए कोइलवर पुल का उद्घाटन। पटना को आरा जिले से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के समानांतर सोन नदी पर बन रहे 6 लेन पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने आज कर दिया है, जिसके बाद इस पुल पर वाहनों का परिचालन 10 दिसंबर से फिर से शुरू हो चुका है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। ग्रीन मैन ऑफ बांका के नाम से मशहूर व्यक्ति ने बंजर जमीन में ला दी हरियाली। चांदन प्रखंड के लालपुर गांव निवासी नुनेश्वर मरांडी की बागवानी देख आपका मन गदगद हो जाएगा। ईटीवी भारत के अनुसार 28 साल की कड़ी मेहनत में नुनेश्वर मरांडी 1 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं, जिसमें 15,000 से अधिक फलदार पौधे शामिल है। इसकी बागवानी के मुरीद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो गए थे। 1992 से शुरू हुआ पौधा लगाने का यह सिलसिला आज भी जारी है। नुनेश्वर मरांडी को जिला प्रशासन की तरफ से किसान भूषण सम्मान से भी नवाजा गया है। यही वजह है कि उन्हें ग्रीन मैन ऑफ बांका के नाम से भी जाना जा रहा है। आपको बता दें, नुनेश्वर मरांडी ने अपने 28 साल की मेहनत में अपने 40 हेक्टेयर की बंजर जमीन को हरियाली में बदल दिया है। सरकार अब देश भर में लगा रही है वाईफाई। सरकार ने अपनी नई योजना के तहत देश में बड़े स्तर पर वाईफाई नेटवर्क तैयार करने की पहल शुरू कर दी है, जिसका नाम पीएम वन यानी कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस होगा। खास बात यह है कि इस पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कोई भी कर सकेगा और इसके लिए किसी तरह का रजिस्ट्रेशन या फीस नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का फैसला लिया है। देश में पब्लिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस फीस या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, जिससे आने वाले समय में आम नागरिकों को काफी फायदा मिलने वाला है। सुशांत के नाम पर ट्रोल करने वालों को अंकिता ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद इंसाफ दिलवाने में अंकिता लोखंडे का नाम सामने आया था। हालांकि कुछ दिनों से अंकिता की तरफ से खुशनुमा पोस्ट शेयर करने को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, जिसको लेकर अंकिता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अंकिता ने ट्रोलर पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा है कि मेरा काम ये नहीं कि मैं सबको पसंद आऊं, मेरा काम है खुद में रहना और इस बात को सही लोग समझ जाएंगे। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे दिवाली के दौरान से बॉयफ्रेंड विकी जैन संग डांस वीडियोस पोस्ट कर रही हैं, साथ ही कई फोटोज शेयर कर रही हैं, जिसके बाद सुशांत के फैंस गरमाए हुए हैं। हालांकि अंकिता लोखंडे की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो लोगों को इससे मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। आईसीसी T20 रैंकिंग में केएल राहुल और विराट कोहली को मिला फायदा। टीम इंडिया को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मंगलवार को खेले गए T20 सीरीज के तीसरे मैच में 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया को 2-1 से जीतने में कामयाबी मिली। इस T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान केएल राहुल को आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में 1-1 नंबर का फायदा हुआ है। आईसीसी ने बीते दिन नई T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें केएल राहुल सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले भारतीय बल्लेबाज है। केएल राहुल के इस समय 816 पॉइंट्स है और वो रैंकिंग में तीसरे नंबर के बल्लेबाज है। वहीं कप्तान विराट कोहली की बात करें तो वो 697 पॉइंट्स के साथ बल्लेबाजी रैंकिंग में 8वें नंबर पर हैं। सीरीज से बाहर रोहित शर्मा इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं, वो पहले 10वें नंबर पर मौजूद थे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मौजूदा हालात को देखते हुए बिहार सरकार 19 लाख रोजगार मुहैया करवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।